अब अपन चढ़ गए हैं यहाँ से। क्या है, ये जो मुंबई एक्सप्रेस वे निकलता है ना, दिल्ली मुंबई वाला जो एक्सप्रेस वे है, उसके लिए अपन यहाँ से जाएंगे। अभी आया नहीं है, स्टार्ट होएगा तब बताऊंगा मैं आपको। और आया था मैं यार नॉर्मल हाईवे से, और अभी भी विचार नॉर्मल हाईवे से ही जाने का था, पर शाम हो गई है यार, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार रहने दो, क्योंकि पैर वैर क्यों तोड़े यार, घोड़े और तोड़ने का कोई फायदा नहीं है, पहुंच जाएंगे समय पे तो ठीक रहेगा। वैसे भी देखो मेरे हिसाब से 11 बजे पहले तो मैं पहुंचना नहीं हूँ, 11 तो मेरे को लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है चलते हैं यार। इससे यार टोल इस पे ज्यादा रहता है, और दूसरा मेरे इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था नॉर्मल और इस वाले, ये एक्सप्रेस वे से जाऊं और नॉर्मल हाईवे से जाऊं, क्योंकि यार जो आदमी तेज चल रहा है ना उसके फर्क पड़ता है। मेरे मुश्किल से फर्क पड़ता था पौन घंटे समथिंग का, एक घंटे का। वैसे तो तेल पूरा है, लेकिन क्या है एक दो डंडे कम है ना यार, तो इनको भी डलवा लें गुड़गांव से निकलने से पहले पहले, क्योंकि यहाँ पे सस्ता तेल मिलता है जैसे कि आपको पता ही है। मैंने कहा यार पेट्रोल डला देंगे साथ साथ में, वॉशरूम भी जाएं, क्योंकि अभी एक्सप्रेस वे चढ़ रहे हैं तो इस पे क्या है कि है तो सही प्रॉपर फैसिलिटीज, वॉशरूम्स भी हैं, और धीरे धीरे और भी है ना, फूड आउटलेट्स वगैरह का भी काम चल रहा था, लेकिन 50 किलोमीटर या ऐसे थोड़ी दूरी पे पड़ते हैं, तो इसलिए पेट्रोल पंप वगैरह कहीं भी रुकते हो ना, तो वहाँ अपना फ्रेश फ्रेश होके जो भी वॉशरूम वगैरह जाके, और फिर उसके बाद में आपको चढ़ना चाहिए। बस सामने से टोल के बाद में अपना है ना ये एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा मुंबई वाला, जो दिल्ली मुंबई वाला है। और साथ में यार मेरे को हंसी छूट गई भी तेल डलाते डलाते, क्योंकि दो डंडे खाली दिख रहे थे, पर दो डंडे में भी हमेशा ऐसा होता ही होता है, 1800 का तेल लेगी गाड़ी, मतलब आपको दिखता है कि दो डंडे, तीसरा डंडा शायद वीक होगा थोड़ा सा, इस वजह से ऐसा हो जाता है। बस ये वाला जो सामने टोल दिख रहा है, और अगर आपके पास फास्टैग वास्टैग नहीं हो तो यहीं से लगवा लो, क्योंकि ये वाला जो टोल है ये काफी महंगे है, मतलब यहाँ पे नहीं कटेगा, उतरते टाइम कटेगा, उतरते टाइम तक आप रिचार्ज कर सकते हो। इस टोल से अपना मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाता है। अच्छा खासा बड़ा टोल है, बढ़िया एकदम, यहाँ से शानदार अपना एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगा, कटेगा नहीं अभी शायद जितना मेरे को याद है, घमरोड ये खुल गया, ये देखो ये निकली अपनी गाड़ी प्यार से, ठीक। इसी के साथ में चढ़ गया हूँ यार मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 3 किलोमीटर बाद से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। महेंद्रवाड़ा घमरोज के लिए नीचे से रोड जा रही है, सोहना के लिए भी जा रही है, सोहना के लिए नीचे से जाकर के और फिर ऐसे राइट मुड़ के आप निकल सकते हो। दिल्ली के एफएम पे जो गाने आते हैं ना यार, सच में यार एक नंबर, एक से एक छांट के ट्रैक्स चलाते हैं, और बिल्डर्स के भी अगर खूब ऐड आते हैं ना तो साथ के साथ फिर जब गाने लेते हैं ना तब तगड़े। पहले यहीं पे बिल्डर के ऐड खूब आते थे, जयपुर में कम कम आते थे, अब तो जयपुर में आप लोगों को पता ही होगा खूब वायरल रील हो चुकी है सेजस्थान की और पता नहीं क्या क्या। तो ये अपना स्टार्ट हो गया, देखो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे, स्वागत है आपका। 1224 किलोमीटर मुंबई, बढ़िया है कि नहीं यार ये रास्ता, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो अब तक तो सारे लोग आ ही गए होंगे आप लोग। बीच बीच में देखो क्या सुंदर सुंदर फूल है, अभी आपको प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है ना, वरना मैं आपको दिखाता, बहुत सुंदर लग रहे हैं यार, बहुत ज्यादा सुंदर। ये देखिए मैं 100 की स्पीड पे चला रहा हूँ, 100 से 120 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं, और लेन देख लो मैं किस में चला रहा हूँ, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसलिए। और अभी एक्सप्रेस वे की कंडीशन देख लो, बहुत शानदार है, साथ में क्या है कि ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी कुछ भी खास गाड़ियां नहीं है। बताने का कारण क्या है कि यार जब लास्ट टाइम या उससे भी लास्ट टाइम, मतलब 2-3 बार अब तो एक्सप्रेस वे का मैं अपडेट दे चुका हूँ अपने ब्लॉग्स के थ्रू, उसके अंदर मैंने जब डाला था तो कोई आके इंसान मेरे को बहुत ज्ञान बांट के गए थे, फिर उनसे मेरी बहस भी हुई थी कमेंट सेक्शन के अंदर, जबकि मैं ऐसा करना चाहता नहीं था, मुझे रिप्लाई नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि यार आप धीरे चला करके है ना, मतलब एक तरीके से गलत कर रहे हो, ठीक है आप जो 100 पे चला रहे हो, लेकिन बात यह है कि यार अभी गाड़ियां जब इस पर चली नहीं रही है ना, उनकी बात लॉजिकल मानी जा सकती थी, अगर इसके ऊपर सच में काफी गाड़ियां होती, ट्रैफिक चल रहा होता तब कोई इधर उधर से निकल रहा होता उसको तकलीफ आती, लेकिन अभी जब इस पे इतनी गाड़ी चली नहीं रही, सबसे कॉर्नर में एक लेन है, फिर 1 2 3 4 चार लेन इधर चार लेन उधर, कॉर्नर कॉर्नर की एक एक लेन, और आप छोड़ दो जो कि बाइक की मान सकते हैं, जबकि उसमें भी एक छोटी गाड़ी चल सकती है, तो जब इतना ट्रैफिक नहीं है तब मैं 100 चला रहा हूं तो ठीक है, 100 से 120 के बीच में, पीछे तो कार की लिमिट भी 120 ही लिखी हुई थी कि भैया हाँ 120 कार की लिमिट लिखी हुई है, 120 पे आप चला सकते हो, मतलब ये लेन के अंदर 120 लिखा हुआ था, इससे साइड वाली जो लेन है उसमें शायद अपन 40 भी चला लो, चलाने को तो इस रोड के ऊपर लोग 250-300 भी चला रहे हैं चलाने को, लेकिन यार 100 मेरे को सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 की स्पीड अगर आप रेगुलर इसके ऊपर पकड़ रहे हो ना, तो यार एवरेज स्पीड 100 आना है ना बहुत अच्छी बात है, 95 अगर आपकी एवरेज आ जाए तो, और 100 से 120 के बीच में चला रहा हूँ तो आप मान के चलो कि 105-110 की एवरेज आ जाएगी, तो फिर तो बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया, आपने एक तरीके से आप टारगेट अचीव कर सकते हो, टाइमली आप पहुंच सकते हो। मैंने कहा यार
वापस से जयपुर पहुंच जाएंगे, फिर शहर के अंदर वही अपनी पॉल्यूशन वॉल्यूशन सब। तो खेत वेत के पास में थोड़ा सा खड़े होकर के अपनी लंबी लंबी सांस वगैरह, क्योंकि खाए पिए तो मेरे को एक दो घंटे हो गए करीब करीब, तो थोड़ा सा प्राणायाम सा कर लेते हैं। प्राणायाम क्या मतलब, डीप ब्रेथ वगैरह ले लो तो एक अच्छी खुली सांसें मिल जाएंगी। क्योंकि अब कोई ये कह सकता है कि यार ठीक है हाईवे पे कहाँ खुली सांस ले रहा है, लेकिन बात ऐसी है कि यहाँ पे अब एक जाके मेरे को गाड़ी की आवाज़ आई है और मैं 2 मिनट हो गए मेरे को उतरे में, ठीक है। आप देख लो पीछे पूरा खाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच में रोड पे घूमते फिरो, क्योंकि लोग बीच बीच में भी कई बार खड़े होकर के रील बनाने लग जाते हैं, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बिल्कुल भी ऐसी चीजें करने से आपको है ना बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पहले टोल पे पैसा कटा नहीं था, ये वाला दूसरा टोल आ रहा है इस पे शायद पैसा कटेगा। और ये बढ़िया, आपने देखो खेत सारे के सारे शानदार कटाई हुई है अभी तो इसके अंदर, लेकिन फसल छोटी छोटी है। ये देखो इस वाले से और उस वाले से आने का एक और फर्क मैं बता दूं, टोल जो है आपका अच्छा खासा इस पे लग सकता है। मतलब एक मुश्त एक बार में जो कटता है ना वो करीब करीब 580 या 600 के आसपास कटता है। मैंने पहले भी ब्लॉग्स में बताया है तो अभी मेरे को ढंग से याद नहीं है, उसके आसपास एक मुश्त कटता है और एक और कटेगा जयपुर जाते जाते। मतलब टोटल दिल्ली से लेकर के और जयपुर तक 680 या 700 के आसपास लग जाता है। लेकिन आपके यार पैसे काफ़ी बच, मतलब सॉरी टाइम काफ़ी बच गया यार, है ना। और दूसरा आराम, मेन जो चीज़ है ना अभी जो मैं चढ़ाऊँ वो सिर्फ और सिर्फ आराम की वजह से चढ़ाऊँ, क्योंकि यार पैर वैर टूटते हैं, ठीक है। पूरे दिन भर से है ना इधर उधर से काम वाम से फ्री हुआ, फिर उसके बाद में है ना अब जा करके मैं निकला हूँ, तो यार थोड़ा पैरों को बचा लें, इंसान को अपनी हेल्थ का भी तो ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये जो माहौल है पीछे देख करके ना, एकदम जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया एकदम फ्रेश एयर को जब अपन ब्रीथ करते हैं बहुत अच्छा लगता है। अब इस पे भी दिखा देते हैं आपको कि इस पे पैसे कटते ही नहीं कटते हैं, पहले वाले पे तो नहीं कटे थे। लेट्स सी, अब फास्ट टैग है तो ऐसे तो दिखेंगे नहीं पैसे कटे नहीं कटे, है ना, ठीक है। ऐसे तो आपकी ग्रीन लाइट हो ही जाती है, तो अभी मोबाइल में मैसेज आएगा फिर मैं देख करके आपको बताता हूँ, अभी तक तो आया नहीं है क्योंकि मैसेज आने में भी टाइम लग जाता है। बाकी फास्टैग के अंदर अपने है ना हमेशा 1000 रुपये तो मिनिमम आपको रख के चलने चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में जब मैं पहला मैंने इसका एक्सप्रेस वे व्लॉग डाला था तब मेरे साथ ही दिक्कत आई थी कि मेरा एकदम से है ना हॉटलिस्ट हो गया था। मैंने कहा यार हॉटलिस्ट क्या होता है, शॉर्टलिस्ट सुना है, ब्लॉग सुना है, लेकिन हॉटलिस्ट हो गया, मैंने कहा भाई क्या क्या होते हैं। उसके बाद में 2 दिन तक तो चालू नहीं हुआ था, वो तो अच्छी बात है, 2 दिन मैं दिल्ली था, अदरवाइज मेरे को दूसरा फास्टैग लगवाना पड़ता या फिर कैश वाली लाइन से निकलना पड़ता। पहले तो कैश की लेन थी, मेरे को याद आ गया, अब कैश की लेन एक भी नहीं बची, अब सारी की सारी आपकी फास्टैग लेन है, तो आपको डबल पे करना ही करना पड़ेगा। ये अपन आ गए हैं रेस्ट एरिया में, मतलब यहाँ पे क्या है एक्सप्रेस वे पे बीच में देखो सामने वॉशरूम बने हुए अच्छे खासे साफ सुथरे, जाया हूँ मैं वॉशरूम तो जाके आ चुका हूँ। ये गाड़ी घोड़े भी यहाँ पे लगे हुए हैं सारी, खूब बढ़िया पार्किंग आप कर सकते हो। और ये होटल टोकस यहाँ पे खुला हुआ है, होटल मतलब रेस्टोरेंट बढ़िया सा, तो इसमें कुछ खाएंगे पियेंगे थोड़ा सा क्योंकि भूख लग रही है यार, फिर उसके बाद में चलेंगे। यहाँ पे क्या आगे फ्यूल स्टेशन भी बना हुआ है और दिखने में बढ़िया लग रहा है, देखो रेस्टोरेंट टोकस, वहाँ आगे वॉशरूम है। और क्या है कि यार इतनी तेज भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन लगने लग गई, क्यों, क्योंकि 8:30 समथिंग हो गए हैं अभी, एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, लेकिन 8 बजे से ऊपर ही टाइम हो गया है। तो इस वजह से क्या है कि अब जो है अपन, मैंने कहा यार रुक जाते हैं और थोड़ा सा हल्का सा ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि ज़्यादा भारी भी नहीं खाना चाहिए, ऑलरेडी पेट भरा भरा सा है, थोड़ा सा खाली हुआ है, ज़्यादा भारी इसलिए नहीं क्योंकि आप ड्राइव करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि यार जयपुर दिल्ली का डिस्टेंस ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आप लाइट रखें ना तो क्या है जो थोड़ी सी आशंका होती है ना आलस आने की, वो भी दूर हो जाती है और आलस नहीं आना चाहिए यार। मेन्यू देख रहे हैं यार बिना लहसुन प्याज क्या क्या देंगे, अब इन्होंने बताया है कि यार बटर पनीर मसाला भी कर देंगे बिना लहसुन प्याज, और बटर पनीर मसाला ये रहा पनीर बटर मसाला, और पनीर बटर मसाला तो अपन यार ज़्यादातर हमेशा से ऑर्डर करते रही हैं, तो जैसे उन्होंने बोला कि ये दे देंगे तो एक खुशी सी आई मन में, एक खुशी की लहर दौड़ गई, मैंने कहा बिना लहसुन प्याज के और स्वाद भी आ जाएगा। मैंने उनसे बोला था शेफ साहब से जाके पूछ के आओ कि किस में स्वाद आ जाएगा, स्वाद इसलिए कहा मैंने, कहीं आप लोग सोच रहे बोले स्वाद भी चाहिए बिना लहसुन प्याज भी चाहिए, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे पूरी भाजी अपन खाते हैं ना, तो भाजी जो होती है वो आलू की गीली सब्जी होती है, या तो गीली सब्जी हो जाएगी या सूखी, उसके अंदर आप लहसुन प्याज वैसे ही नहीं डालते हो, ठीक है, घर में भी अपने नहीं डलता है ज़्यादातर व्रत वगैरह में और नॉर्मली भी, पर उसमें स्वाद आ जाता है बढ़िया, मिर्च मसाले सारी चीज़ डाल के, हरी मिर्च डाल दो सब डाल दो, तो वैसे ही बटर पनीर मसाला में भी बोल रहे हैं स्वाद आ जाएगा। साथ में एक नान मंगवा लिए, प्लेन नान मतलब बटर नान, उससे काम हो जाएगा बढ़िया। सब्जी टोटल फिनिश, प्लेट में भी देखो कुछ नहीं छोड़ा है मैंने, इतनी भूख लग नहीं रही थी लेकिन खाना पीना खा करके है ना
मज़ेदार लग रहा है। और ऐसी फीलिंग जैसी मेरे को आ जा रही है ना, ये बहुत कम आती है यार, बहुत ही ज़्यादा कम। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि हम लोग हैं ना भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो है, अच्छे से घर वाले बोलते हैं कि जब भी तुम खा रहे हो ना तो बहुत दबा के खाओ, अच्छे से पेट भर के खाओ। तीन बार खाना खाते हैं जनरली लोग, ठीक है। आजकल लोग दो बार खाने लग गए हैं कि भाई वर्किंग लोग जो है उनके पास इतना टाइम रहता नहीं है, लेकिन सॉरी, तो बात ये है कि यार तीन बार अपन खाना खाते हैं बहुत ढंग से भर के, कि हाँ भाई ढंग से। घर वालों के भी सामने आप कम खाते हुए दिख जाते हो ना, तो घर वाले बोलते हैं, बोले अरे यार क्या हो गया तुम्हें, बोले तुम्हारी उम्र है खाने पीने की, दबा के खाओ। मतलब उनके कहने के हिसाब से तो बोले पूरा रेस्टोरेंट खा जाओ, पूरा घर का राशन खा जाओ, सब खा जाओ। खांसी हो गई यार थोड़ी सी यार, है ना, क्योंकि दही वही आती है ना खाने में। जैसे अपन ने परांठे वरांठे लिए थे बीकानेर वाला पे, और भी जगह पपड़ी चाट खाई थी, लेकिन पपड़ी चाट की दही खट्टी नहीं थी, लेकिन दही थोड़ा सा हिट तो कर ही जाती है अगर आपकी टॉन्सिल्स वगैरह इनकी प्रॉब्लम है। खाना अच्छा था, अच्छा क्यों लगा वो मैं आपको बताता हूँ। इतना लंबा मैंने पूरी कहानी गा दी और वो नहीं बताया, क्योंकि क्या है कि हम लोग जो है ना जब खाते हैं ना तो इसको थोड़ा सा पेट भरने से कम, जो कि हमेशा से कहा जाता है, मेरे दादाजी भी ऐसे ही करते थे कि हाँ चार रोटी भूखे तो तीन ही खाते थे हमेशा से, पुराने ज़माने के होने के बाद भी उन्होंने चीज़ें हमेशा एडवांस लेवल, क्या मतलब दुनिया के हिसाब से हमेशा चले। आज मैंने क्या किया कि मेरे को भूख इतनी थी नहीं, लेकिन जब बैठा तब पता चला कि भूख खुल गई भैया, तो चार चार चपाती खाई और आराम से छः चपाती के आसपास की भूख होगी, और ये वाली जो चपाती थी मेरे घर की चपाती से छोटी थी, है ना। मतलब दादी जी और अगर कोई भी आए होते ना साथ में तो साफ बोल देते कि बोले क्या चुग्गा सी है ना चपाती ला करके दिए, झाड़ देते इनको। तो इसलिए क्या है कि वो चार चपाती खाई ना, तो अब मान लो घर की तीन चपाती, उसकी वजह से क्या है कि पेट लाइट लग रहा है। तो बाहर निकला, एक अपन निकलते हैं एकदम से घर के, मतलब घर पे खाते हैं या कहीं भी बाहर खाते हैं ऐसे करके निकलते हैं भाई साहब कि पेट बहुत ज़्यादा भर लिया है। लेकिन एक आज मैं निकला तो यार फीलिंग बहुत है ना, जेन्यूनली है ना, बहुत अच्छी थी और हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है फिलहाल। शायद आधा रास्ता और बाकी है, चलते हैं अपन वापस अपनी ट्रिप की तरफ और जयपुर की तरफ। रास्ते में क्या है, रात को लाइट वाइट होती नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि यार आप भी बोर हो जाओगे। अभी भी शायद मैं आपको बोर कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ पता नहीं, जैसा भी है इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि टेस्ट वगैरह मेरे को सही लगा था। होटल टोकस रेस्टोरेंट यहाँ पे, भाई साहब दिख जाओ जयपुर लिखे हुए, ये दिख गए जी, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पैसे कटेंगे फिर बताता हूँ, देखो आपको मामला क्या है, कितने पैसे लगते हैं। टैग लेन टू, वेलकम जी, वेलकम वेलकम टोल प्लाजा, अच्छा वेलकम टू टोल प्लाजा। सीधा अपने को उतार देगा दौसा, जो कि आने वाला है यार 2-5 किलोमीटर में। अभी मोबाइल में मैसेज आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कितने पैसे कटे। तो अपना टोल कटा है ये वाला 415 का मैसेज, और इससे पहले 125 कटे थे, 415 और 125 हो गए अपने 540। 540 रुपए लग गए इस एक्सप्रेस वे से, आपके गुड़गांव से लेकर के, मतलब दिल्ली से लेके मान लो आप, क्योंकि पहला टोल जो कटा था उसके हिसाब से है ना, वहां से लेकर के और जयपुर तक के, जबकि अभी मैं दौसा के अंदर चल रहा हूँ। लो जी एक और टोल प्लाजा आना बाकी था, मेरे को लग ही रहा था यार कि पैसे जो है वो थोड़े से कम खर्च हुए हैं अभी। राजा धोख टोल प्लाजा, ये जस्ट जयपुर से पहले आ जाता है दौसा की साइड अपने। और इस पे कितने कटते हैं पैसे ये भी देख लेते हैं, फिर आपको टोटल खर्चा बता देंगे अपन टोल में कितना लग गया। कौन सी वाली लाइन से चले, वो रही, बढ़िया बढ़िया, इसमें से स्विफ्ट निकल ही रही है बस। राजा धोख टोल प्लाजा देख लीजिए आप। ओम नमः शिवाय, ये अपने बढ़िया एंटर हो गए अपन घाट की गुनी टनल के अंदर। कांच गंदा हो रहा है यार, साफ कर लें इसको पहले, फिर और क्लियर दिखेगा आपको। ये देखो साबुन का पानी डाल के रखता हूँ मैं इसके अंदर, ज्यादातर शैम्पू का। तो जी बढ़िया, अच्छा खासा अपन 9:30 बजे जयपुर के अंदर घुस चुके हैं। जयपुर के अंदर तो क्या, प्रॉपर जयपुर में आ गया हूँ मैं, राजा पार्क में। एक टोल पे तो कटे अपने 80 रुपए, एक पे कटे सबसे पहले वाले पे 125, और जो सबसे बड़ा था ना मेन, इतने लंबे तक जो कटा नहीं था, और जैसे अपन दौसा की तरफ उतरे तो उस पे कटे थे 415। तो आप लगा लो 415, 80 और 125, 125 ये पैसे टोटल लगे हैं इस वाली साइड से एक्सप्रेस वे से आने के। उधर से आते तो 265 रुपए, 265 टोटल लगते हैं दिल्ली से जयपुर तक के। बैक इन जयपुर राजा पार्क के, एकदम बढ़िया वापस से गलियों के अंदर, तंग गलियों के अंदर स्वागत है एकदम। तो जी माता के नवरात्रे के तीसरे दिन, थर्ड डे, अपन रात को वापस से बैक टू पेविलियन घर पे आ चुके हैं। घर पे मतलब जयपुर के अंदर बस पहुंच गया हूँ, घर भी 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो आज के व्लॉग को बस यहीं समाप्त करते हैं, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि, जय श्री राम।